असल इशू की अगर हम बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट होने वाला इशू है कि हमने असम एनआरसी का सुना, बहुत पुराना इशू है। इवन अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ये चला आ रहा है। क्यों हो रहा है तो आप सभी को इतना पता होगा कि हमारा जो भारत डिवाइड हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ये, तो इंडिया आपका कैसा था, तो मेजरली हिंदू मेजोरिटी था, ठीक है। तो इंडिया मेजरली हिंदू मेजोरिटी था, वहीं पे जो पाकिस्तान बना तो वो मेजरली मुस्लिम मेजोरिटी के साथ बना मेजर। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे इंडिया यूनिफाइड था, पाकिस्तान ऐसा नहीं था। पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो वेस्ट पाकिस्तान जो हमारे राजस्थान बॉर्डर साइड को पड़ता है, और दूसरा था आपका ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल बॉर्डर साइड को पड़ता है। तो दो तरीके से ये बनाया गया। अब ईस्टर्न वाले फ्रंट पे क्या होता है कि पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट, कम्युनलिज्म, इन सारी चीजों की वजह से जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो यहाँ से मूव करना उन्होंने स्टार्ट किया। कहाँ पे? तो असम में। तो उन लोगों ने असम में मूव करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने असम में मूव करना स्टार्ट किया तो असम में आ गई सर रेफ्यूजी क्राइसिस वाली सिचुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो असम में रेफ्यूजी क्राइसिस है तो यहाँ पे जो लोकल डेमोग्राफी है उसमें चेंजेस आने लगे। मतलब क्या हुआ, तो जो असम की ओरिजिन के जो लोग थे, ठीक है, जो असमीज लोग थे वो कंपैरेटिवली नंबर में कम होते जा रहे थे और रेफ्यूजीज ज्यादा आते जा रहे थे। तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये जो रेफ्यूजीज का माइग्रेशन हो रहा है इसकी वजह से हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, इन फ्यूचर जाके यहाँ पे जो बांग्लादेशीज हैं वो ज्यादा हो जाएंगे और असमीज कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस आया कि जो इनकी असमीज आइडेंटिटी है वो चली जाएगी। तो इन लोगों ने फिर डिमांड की कि यहाँ से क्या करना चाहिए कि जो बांग्लादेशी हैं या जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। तो 1979 में, और कौन सा मंथ था, तो जुलाई का मंथ 1979 में, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू, ठीक है। दूसरी एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है ऑल असम गण संग्राम परिषद, ठीक है। तो ऑल असम गण संग्राम परिषद, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, तो ये एक मास मूवमेंट लॉन्च करती है। मास मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें फुल पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। तो एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जाता है इन दोनों के द्वारा। इसके बाद जो इलीगल एमिग्रेंट्स हैं ये बोलते हैं कि हम उनको डिटेक्ट करेंगे, या गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि आप इनको डिटेक्ट करो कि जो इलीगली बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में एंटर हुए। डिटेक्शन करने के बाद उनका जो नाम है, तो जो हमारे असम स्टेट की वोटर लिस्ट है वहां से उनका नाम हटाया जाए, फिर उसके बाद उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलते हैं 1979 में कि 1951 के बाद जितने भी बांग्लादेशी इंडिया में एंटर हुए हैं उन सबको यहां से डिपोर्ट करना है। बट गवर्नमेंट इस पॉइंट पे एग्री नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम कट ऑफ डेट लेंगे 1971, कि जो 71 के बाद जितने भी बांग्लादेशीज आए हैं हम उनको डिपोर्ट करेंगे। इस चीज के लिए गवर्नमेंट तैयार हो जाती है, 51 के लिए तैयार नहीं होती है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो बांग्लादेश ऐसा सेपरेट कंट्री बना है वो 71 में बना है, तो हम उसके बाद का ही इशू डील करेंगे, उसके पहले वाला नहीं देखेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, नवंबर एंड आते आते 1979 में जब ईयर खत्म होते होते जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे तरीके से बंद पड़ जाता है। क्यों बंद पड़ जाता है, क्योंकि सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं अब वो भी यहाँ पे इस मास मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो यहाँ पे मास मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, मूवमेंट जो है अब वो वायलेंट एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाता है। जो एंटी फॉरेनर्स एजिटेशन है, मतलब जो बांग्लादेशियों के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा था वो भड़क के सामने आता है, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वॉयलेंस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट ये 97 वाला पॉइंट लेके आती है कि हम 1971 को कट ऑफ डेट रखेंगे, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर देते हैं और डिमांड करने लगते हैं सिसेशन की। सिसेशन मतलब कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, हमें भारत से अलग होना है, असम को एक सेपरेट नेशन बनाना है। इसी टाइम पे क्या होता है,
एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिनका जिसका नाम रहता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा, यूएलएफए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसको बनाता कौन है? तो परेश बरुआ के अंडरशिप में ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलाती है कि असम को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। इसको काउंटर करने के लिए फाइनली 28 मार्च 1980 को आर्मी डिप्लॉय की जाती है असम में, ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को फिर से रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद असम में, पूरे असम में एक्सेप्ट जो छाछर हिल्स वाला एरिया है नॉर्थ और साउथ, उसको छोड़ के यहाँ पे असम डिस्टर्ब्ड एक्ट लाया जाता है, एक 1955 में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। साथ में ऑप्सपा जो पहले बनाया था 1958 में, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है 6 अप्रैल 1980 को, और इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद फाइनली जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उल्फा ने जो पुरानी वाली थी असम गण परिषद, और दूसरा अगर हम बात करें आसू, इनके साथ मिलके दिल्ली में एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, असम अकॉर्ड। इसमें क्या बोला जाता है कि 1971 और एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करें तो 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी बांग्लादेशी या जो भी फॉरेनर्स हैं जो असम में एंटर हुए हैं, उन सबको पहले तो गवर्नमेंट डिटेक्ट करेगी, और डिटेक्ट करने के बाद वापस भेजा जाएगा जिस कंट्री से वो आए हैं, तो उनको डिपोर्ट भी करेगी। अपकमिंग ईयर्स आते आते गवर्नमेंट क्या करती है, तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट आता है, यूएपीए, उसके अंदर जो यूएलएफए है इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देती है। लेकिन ये लोग भी मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, ये लोग बोलते नहीं हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इसी देश के नागरिक हैं। तो एनआरसी में क्या होता है, ये एक पूरा नेशनल रजिस्टर है सिटीजन्स का, जिसमें सबके नाम लिखे जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे एक मीम मुझे याद आता है कि जैसे ये बोलते हैं ये हमारा भी देश है, जितना आपका हक है उतना ही हमारा है, तो फिर मोटा भाई बोलते हैं कि तो फिर एक काम करो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। तो ये हमारा पूरा इशू था असम एनआरसी का। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप चहल एकेडमी की वेबसाइट और चहल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चहल एकेडमी के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।